जय हिंद, नमस्कार। मैं आज फिलहाल आया हूँ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के धाराशिव एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर मैं खड़ा हूँ। तो क्या नाचो मैं? और डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय धाराशिव को उस्मानाबाद के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है धाराशिव के नाम से जानते हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। यहीं पर मैं फिलहाल खड़ा हूँ। एक संडे को स्पेशल मार्केट लगता है, जिसे संडे मार्केट कहते हैं। अब इस मार्केट में यहाँ पर लोग जो है ख़रीदारी के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, और स्पेशल मैं बात करूँ तो प्राइवेट जो भी मजदूर हैं, यहाँ के जो लोकल के लोग हैं, वो सब अपने काम को भी छोड़कर, मतलब छुट्टी करते हैं संडे के लिए इस मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए। सही पकड़े हैं। तो मार्केट का क्रेज इतना ज़्यादा है, अब इस मार्केट में क्या क्या मिलता है, कैसे मिलता है, उसकी रेटों में कैसे डिफरेंस है। जैसा कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये मानना है कि यहाँ पर जो संडे मार्केट है, इसमें अच्छी चीज़ें कम कीमत पर मिल जाती हैं। क्या बोला तूने? लेकिन हकीकत क्या है, ये हम इस मार्केट में जाएंगे और फिर हम देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सब्जी से लेकर घर में जो भी चाहने वाला सारा सामान है वो हमें मिल जाता है। कपड़े हो, खाने का सामान हो, पहनने का हो, ये सब चीज़ें इस मार्केट में मिलती है। तो आज मैं ये धाराशिव का जो है संडे मार्केट आपको दिखाता हूँ, चलेंगे फिलहाल। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी भैया मार्केट में जाने के कई रास्ते हैं अंदर, लेकिन जस्ट हम सामने आएंगे तो अपने को एक गली दिखाई देती है, जिसमें आप क्राउड भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग इधर उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। जी, क्या नाम से? नेशनल ट्रेवलर। मैं फिलहाल जयपुर से हूँ सर। क्या नाम है आपका? वी के सैनी जी। तो यहाँ पर जस्ट हम मार्केट में आएंगे तो कुछ ऐसे, मतलब घर के ये सामान आपको मिलते हैं। ये मच्छी मिल जाती है सूखी, और यहाँ पर देखेंगे फल फ्रूट से रिलेटेड। एक तरफ जो है ये दुकानें जो हैं, यहाँ पर आपको कपड़ों की दुकान देखने को मिलती है। ये कपड़े हैं बेसिकली बच्चों के और लेडीज़ जो हैं, और दूसरी तरफ बीच में भी इस तरीके से ये मार्केट में, दोनों तरफ मार्केट में ये दुकानें लगी हुई हैं। और जस्ट हम चलते हैं आगे, तो यहाँ पर भैया ये जो है बैग्स मिल रहे हैं, जो स्कूली बैग हैं बच्चों के छोटे। यहाँ पर ये अगरबत्ती और बर्तन मांजने के, ये कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। ये मार्केट का नज़ारा आप कंटिन्यू देखते रहिएगा मेरे साथ में, पूरा मार्केट में आपको घुमा देता हूँ। मार्केट में क्या क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, ये हम देख लेते हैं। जी नमस्कार। चलेंगे आगे, और पूरा बड़ा लंबा चौड़ा ये मार्केट है भैया। अभी तो ये समझो मार्केट यहाँ से स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हम देख रहे हैं, तो ये मार्केट की स्टार्टिंग है। इस तरफ आपको ये मच्छी मार्केट, और जो है ये 10 रुपये में हर आइटम, ये 10 रुपये का है बोले तो, इस दुकान पे मिल रहा है। ये आम, कैरी इत्यादि है, और ये एक मच्छी का दुकान है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो इधर ये जो है स्पेशल, संडे को ही लगता है, संडे को ही लगती है आपकी भी दुकान? आपका जो दुकान है वो भी संडे को ही लगता है? हर दिन रहता है क्या? कैसे रहता है ये? अलग अलग रहता है। ओके, तो यहाँ पे हर दिन रहता है ये, लेकिन ज़्यादातर दुकानें जो है मार्केट संडे को ही लगता है। ओके, हाँ कुछ दुकानें जो हैं फिक्स हैं यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा जो बाज़ार जो है ये संडे को लगता है। तो बाज़ार में इस तरफ मैं जाऊँगा तो ये सब्ज़ी के ठेले और सब्ज़ी की दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। पहले मैं आपको आगे ले जाकर दिखाता हूँ सब्ज़ी, मतलब किस तरीके से क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है हम देखते हैं। हाँ जी, कैसे है, मतलब कैसे है प्याज? 20 के सवा केजी आप दे रहे हैं? हाँ, तो मतलब प्याज यहाँ पर बोले तो कांदे 20 के सवा किलो बोल रहे हैं। अब यहाँ से मैं जाकर आगे से भी रास्ता है, देखो उस तरफ भी ये पूरा जो है मार्केट लगा हुआ है, और उस तरफ भी चलेंगे, बीच में एक नाला आ जाता है। लेकिन नाले के इधर दोनों तरफ जो है ना, यहाँ पर भाजी बोलते भाजी बोले सब्जी की ये जो है दुकानें हैं, जहाँ पर ये लोगों का आना जाना, क्राउड आप देख सकते हैं, और इसी से मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों में मतलब कितना उत्साह है।
कितनी दूर दूर से लोग ये बैग ले लेके आते हैं और फिर उनके हिसाब से मतलब ये पूरे बैग भर के लेके जाते हैं। सप्ताह भर का मतलब ये सब्जी, इधर भी ये सब्जी की पूरी दुकानें हैं आगे तक, ये मेन रोड आ जाता है फिर जिस रोड से हम निकले हैं, और यहाँ पर भी इस तरफ भी आपको ये सब्जी भाजी की दुकानें आपको देखने को मिलती हैं। ये भैया मटर हैं छीले हुए, तो कैसे मतलब है? 10 रुपये बोले तो कितना है एक ये ग्लास? 125 ग्राम 10 रुपये के मतलब छीले हुए मटर। भैया मटर पनीर खाना है तो इस तरीके से मतलब आपको छीलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इस मार्केट में ये मिल जाते हैं। ये दहला पाव बोले तो 10 रुपये की एक पाव बोले तो, ये जो है आपको गंवार मिल रहा है, गंवार की फली भाजी के लिए 10 की पाव बोले तो। ये भैया भिंडी मिल रही है इधर, और चलते हैं आगे। ये भैया इनको मटकी बोलते हैं स्पेशल, और इनकी भाजी बनाई जाती है बोले तो, सब्जी ये लोग बनाते हैं स्पेशल, कई प्रकार के इसमें मिक्स हैं इनके पास, तो 20 रुपये का मतलब पाव देते हैं। आगे हम चलेंगे, पूरे मार्केट में क्राउड देख सकते हैं। एक और गली है जो रोड की तरफ, 10 रुपये के पाव। चलो आगे चलेंगे हम, ज़्यादातर मतलब दहला पाव आपको मिलेगा, मतलब 10 रुपये के पाव वाले भाजी में पाव के हिसाब से इनके रेट रहते हैं ज़्यादातर। अब इधर का ये जो मतलब नाला है इसका स्टोर में ये समाप्त है, अब नेक्स्ट स्टोर में हम चलेंगे जो मेन मार्केट है बड़ा उधर है। ये छोटा मतलब इस तरफ एरिया, ये 10 रुपये में मतलब पालक आपको मिल जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और आगे दिखाता हूँ मार्केट। यहाँ भी इधर मतलब सब्जी की ही दुकानें आपको मिलेगी, 100 रुपये का मतलब बोले तो 100 रुपये का 1.5 किलो गवार भाजी बोले तो। यहाँ पर भाजी का ही मार्केट है, ये पूरा मार्केट आप देख सकते हैं दूर तक। इस तरफ ये जो है ये पूरा भाजी का ही मार्केट आपको देखने को मिलेगा इस तरफ, और आगे कुछ मिर्च मसाले इत्यादि भी देखने को मिल जाएंगे। आगे जो घर में चाहने वाला सामान है वो भी हमारे को मिल सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये मसालों की दुकान है, ये इस तरीके से मतलब जैसे शाम होती है तो शाम को क्राउड ज़्यादा रहता है यहाँ पर, दिन दिन में इतना क्राउड नहीं रहता। इस तरफ चलें या उस तरफ चलें तो किधर भी जाओ यही दुकान, सब्जी की दुकान है, सब्जी के ठेले जो नीचे मतलब लोग इस तरीके से अस्थाई दुकानें रहती हैं। क्यों रुपये हर जगह अपने हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेंगे, सबके लेंगे, जो इंटरेस्टेड है उसी के लेंगे, सबके नहीं। आजकल सब जानते हैं, बाकी देखते हो आप। मैं अब नेक्स्ट चलेंगे हम आगे, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। भैया यहाँ पर मतलब बोलने मुलाकात लेते हो तो बातचीत करते हो, यहाँ पर ये जो है दाल सब्जी इत्यादि प्रकार के मतलब ये। हाँ जी आती आती YouTube पे आपके अभी यहाँ पर बोले तो ये भैया ये लूट गया माल। देखो भैया कितने मतलब लोगों के क्राउड देख सकते हैं, मतलब किस तरीके से मतलब लोगों की भीड़ यहाँ पर, बस दौरा आया भर के और लोग मतलब क्राउड देख सकते हैं अपन कितना लूट गया माल तुरंत आते। हाँ जी बिल्कुल आ गए आप भी। कौन सा चैनल है ये? नेशनल ट्रैवलर यूट्यूब पे। ओके चलेंगे। ये भैया लूट गया माल, कैसे क्या बेच रहे? ओ चलेंगे आगे। यार इधर भीड़ बहुत ज्यादा, इधर कस्टमर कम है। क्या क्या बेच रहे? मेथी, मेथी है दुष्काल की। मेथी है तो कैसे बेच रहे हो? मालूम नहीं है लेकिन गर्दी है उनके पास, ये देखेंगे मतलब भीड़ बहुत ज्यादा है स्पेशल में। आगे आगे बिल्कुल आगे सब। नेक्स्ट चलेंगे हम आगे, आगे चलते हैं। भैया ये पूरा मार्केट मैं आपको घुमा रहा हूँ, धारा सिंह का मंडे स्पेशल मार्केट, सॉरी संडे स्पेशल है भैया, मंडे नहीं है।
यहाँ पर ये मुनक्का किसमिस भी आपको मिलती है इस मार्केट में भैया। ये देख सकते हैं ये भाजी। कुछ लोगों की बात तो बहुत ज़्यादा क्राउड है और कुछ लोग मतलब शांत बैठे हैं, सस्ते बैठे हैं, ढीले बैठे हैं, मतलब कहीं कहीं तो कस्टमर है नहीं और कहीं कहीं कस्टमर बहुत, मतलब लोगों के पास भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये खाने पीने का इस तरीके का आइटम भी भैया यहाँ पर मिल जाती है, ऐसी दुकानें भी, ये आपको खाने पीने का नाश्ते के लिए कुछ इस तरीके से मिलता है। अब यहाँ से ये देखेंगे ये सूखी मच्छी है और ये ब्रेड इत्यादि मतलब चाय के साथ में नाश्ते के लिए ये चीज़ें हैं। इसके पास फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है इन दुकान में,